सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। और फाइनली Redmi Note 7 या मैं कहूँ Redmi Note 7s के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे MASIK की जो RAM आपको देखने को मिलती है वो MIUI 12 बेस्ड यहाँ पे फाइनली रोल आउट हो गई है। इस रोम को यहाँ पे मैं कल सिर्फ यूज कर रहा हूँ और आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, क्या बग्स हैं और क्या इंप्रूवमेंट, क्या कुछ नया फीचर आपको देखने को मिलने वाला है। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक शेयर जरूर से यहाँ पे कर देना। सबसे पहले तो दिखा दूं कि आप देख सकते हो MIUI 12 MASIK आपको देखने को मिल जाती है, MDV बीटा बिल्ड है यहाँ पे, तो कुछ बग्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। MIUI 12 के ऊपर बेस्ड आपको ये देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छी चीज यहाँ पे है। सबसे पहले तो जिन लोगों को यहाँ पे MASIK सिर्फ फीचर्स के लिए पसंद है जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आती है, तो उन लोगों के लिए निराशा वाली बात है और वो वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हैं अगर सिर्फ फीचर्स के लिए करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं देखने को मिलने वाला है जो कि हमको MIUI 11 की MASIK के बिल्ड में देखने को मिलता था, जैसे एनिमेशन वगैरह और भी कई सारे फीचर, वो सब इसके अंदर बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आपको नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन आप MIUI 12 का स्मूथ एक्सपीरियंस करना चाहते हो इवन गुड गेमिंग के साथ, तो वीडियो में बने रहो, चलो सब चीज आपको आगे दिखाता हूं। तो यहां पे फाइनली तो ये आपको MASIK देखने को मिल जाती है, कुछ MASIK के इसके अंदर आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं और यहां पे यार आपको लाइव आइकन्स इस बार नहीं देखने को मिल रहे हैं जो कि MASIK में मोस्टली देखने को मिलते थे, लेकिन आप यहां पे इसका विजेट वगैरह देख सकते हो जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ आइकन्स वगैरह भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे और स्मूथनेस के मामले में एक नंबर रोम या अभी तक आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल स्मूथनेस काफी अच्छी है, इवन कंपेयर टू MIUI की जो EU रोम आपको आई है उसमें भी काफी अच्छी इसमें आपको MASIK रोम में देखने को मिल जाती है। इवन आप कंट्रोल सेंटर भी देख सकते हो काफी स्मूथली यहां पे ओपन हो रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको बता दूं कि अभी भी जो बीटा बिल्ड है चाइना में उसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को रीबूट की एरर यहां पे फिक्स हो रही है। इवन MASIK रोम के साथ भी एक दो लोगों को फिक्स हुई है, वो एरर हुई है, लेकिन यार मैं बता दूं मेरे साथ अभी तक एक भी बार नहीं हुई है। अगर आपके साथ हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के साथ ये एक्चुअली में एरर आ रही है जिसकी वजह से यार डेवलपर लोग यहां पे डेवलप भी नहीं कर पा रहे नई रोम और बार बार यहां पे ये रिलीज भी रुक जा रही है। इसी की वजह से हमको यार ज्यादा ऑप्शन यहां पे आपको नहीं देखने को मिलते हैं, यही एक कारण आपको यहां पे रहता है। उसके अलावा आपको यहां पे दिखा दूं सबसे पहले लॉक स्क्रीन में, तो यहां पे रेज टू वेक वगैरह डबल टैप वाला और टैप टू फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक नया ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा ब्लर रेशियो इन पावर मेनू। अगर आप पावर मेनू यहां पे ओपन करते हो तो आप यहां पे सेट कर सकते हो कि आपको कितना ब्लर रेशियो चाहिए। आप देख सकते हो उस टाइम आपको बैकग्राउंड का देखने को मिल रहा है, अगर आपको ब्लर रेशियो पूरा 100 कर दोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो इसका सेट करने का थोड़ा मोड़ा ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाता है जो कि एक काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट वगैरह सेम देखने को मिलती है जो कि आपने पहले भी देखी है MIUI 12 के अंदर। चलें डिस्प्ले में, तो यहां पे आपको ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कलर स्क्रीन मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, डार्क मोड 2.0 देखने को मिल जाता है और आप यहां पे देख भी सकते हो कि कितनी स्मूथनेस देखने को मिल रही है। कोई भी ऑप्शन मैं यहां पे इनेबल कर रहा हूं, कितने फास्ट यहां पे ये वर्क कर रहा है। उसके अलावा यहां पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको काफी सारे अलग अलग फॉन्ट देखने को मिलते हैं और डिफॉल्ट फॉन्ट इसके अंदर बॉन्ड देखने को मिलता है, ना कि रोबोटो, जो कि एक अच्छी चीज है और फॉन्ट ये वाला अच्छा रहता है काफी। और टेक्स्ट और वृत्त में बता दूं तो यहां पे आप वृत्त वगैरह चेंज कर सकते हो, बोल्डनेस भी चेंज कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन यहां पे देखने को मिल रहा है और बोल्डनेस काफी अच्छी रहती है, जब आप डार्क कर दो तो काफी मजा आता है। उसके अलावा नॉच एंड स्टेटस बार में जल्दी से चलें तो यहां पे आपको एक और ऑप्शन बस देखने को मिल जाता है नया, जिससे आप कंट्रोल पैनल का साइड को चेंज कर सकते हो। अब यहां से राइट से स्वाइप डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेफ्ट से स्वाइप डाउन करोगे तो यहां पे कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा जो इसका ऑप्शन यहां पे रहता है। शो वेदर इन नोटिफिकेशन शेड, ये हमने पहले ही देखा था, जब आप यहां पे नोटिफिकेशन शेड में देखोगे तो ऊपर आपको वेदर वगैरह भी यहां पे दिखा देगा जो ऑप्शन यहां पे आपको रहता है और ये चीज यहां पे रहती है। और यहां पे आप रिप्लाई में अगर टैप करो तो देखो इस तरीके से मैसेजिंग वगैरह का ओपन हो जाता है और अगर आपका कोई लाइव मैसेज आता है जब आपको डायरेक्टली यहां पे हो तो उससे आपको एक विंडो ओपन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग विंडो, वो यहां पे ओपन हो जाती है। थोड़ा सा नीचे आ जाएं यहां पे हम साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहां पे आप देख सकते हो मल्टीपल साउंड का अब आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, सिस्टम म्यूजिक अलार्म सभी का इसी में। उसी के अलावा प्रोफाइल वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है और एडिशनल सेटिंग में आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं कि मीडिया या रिंगटोन का एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। साउंड इफेक्ट वगैरह में कोई नया फीचर यहां पे नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन में आपको यहां पे चलें नोटिफिकेशन शेड में, तो आपको एक्सटेंडेड टॉप मेनू का ऑप्शन बस देखने को मिलता है, ग्रुप नोटिफिकेशन
इसमें से भी गायब है। होम स्क्रीन में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नए देखने को मिल जाते हैं, जैसे सिंगल लाइन आइकन टाइटल और हाइड आइकन रिफ्लेक्शन, उसी के अलावा शेडो शो करने का या ब्लर एट फोल्डर्स। तो अगर आपने यहाँ पे कोई भी फोल्डर बना के रखा है तो उसका बैकग्राउंड का ब्लर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अभी आपने देखा तो इसमें कोई भी ब्लर नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ब्लर ऑन करता हूँ और आपको यहाँ पे फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ, तो फोल्डर आप देखोगे थोड़ा ब्लर आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा मोड़ा ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑप्शन जैसे यहाँ पे होम स्क्रीन में ऐप ड्रॉअर वगैरह, गूगल लॉन्चर वगैरह, आपको ये सब देखने को मिल जाते हैं गूगल असिस्टेंट के साथ, हाइड ऐप आइकन, इवन आपको आइकन साइज वगैरह का, ये सब नॉर्मल ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार सुपर वॉलपेपर का ऑप्शन इनबिल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो अभी तक इसके अंदर नहीं देखने को मिला है। तो जितनी उम्मीद थी उतनी यहाँ पे अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप यहाँ पे मैजिक के कुछ नए वॉलपेपर देख सकते हो और थीम स्टोर यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम ओल्ड आपको देखने को मिलता है। पासवर्ड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सभी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी नया चीज इसके अंदर नहीं है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको सारे ऑप्शन ये सब जो हमने पहले देखे हैं एज यूजुअल आपको देखने को मिलते हैं, और अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड वगैरह मिल जाएगा। स्क्रीन टाइम में अगर हम यहाँ पे चले तो फोकस मोड के साथ ये देखने को मिल जाता है, और स्पेशल फीचर गेम टर्बो मोड और वीडियो टूल बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। फ्लोटिंग विंडो भी काफी स्मूथली इसके अंदर वर्क कर रही है। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो आप देख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किधर भी यूज कर सकते हो, किधर भी इसको ओपन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, काफी कूल ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे अगर मैं चलूं एडिट में और देखूं स्काई फिल्टर, तो आपको स्काई फिल्टर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें डायनेमिक और स्टैटिक दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है। और एक अच्छी चीज ये है कि इस रोम में यार डायरेक्टली यहीं से स्काई का सारा डाउनलोड हो जाता है, एक एक करके डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। जितनी भी रोम आपने पुरानी देखी हुई सब में एक एक करके डाउनलोड करने का देखने को मिलता था, लेकिन इसमें डायरेक्टली सभी का डाउनलोड हो जाता है और आप इसको यहाँ पे यूज भी कर सकते हो। काफी स्मूथली वर्क कर रहा है और अभी आप देख भी सकते हो। इवन वीडियो एडिटर भी देखने को मिलता है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटर आपको यहाँ पे इनबिल्ट देखने को मिलता है गैलरी के अंदर, जो कि टेम्पलेट वगैरह से भरा हुआ है और काफी मजेदार यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो रोम काफी स्मूथ है, मोस्ट सबसे ज्यादा स्मूथ रोम मुझे अभी तक यहाँ पे ये मैसिक की लगी है। एज अ डेली ड्राइवर आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। इसके अंदर आपको एक बग मिलता है जो कि है कैमरा सेट, कैमरा के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे मैं कैमरा दिखा दूं तो नया वाला आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे AI मोड और डायनेमिक शॉट्स का भी ऑप्शन देख सकते हो, जो कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। अगर यहाँ पे फोटोज में आपको अंदर लेके चलूं सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आप यहाँ पे देख पाओगे गूगल लेंस वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप कस्टमाइजेशन में और कैमरा मोड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि दो तरीके के कैमरा मोड है, एक कैमरा पैनल वाला है और कैमरा टैब वाला है, जिसका ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। यहीं पर आपको एक और एरर देखने को मिल जाएगी जब आप इसको फर्स्ट टाइम फ्लैश करोगे कि आप पोर्ट्रेट मोड में जाओगे तो आपका ये बंद हो जाएगा, कैमरा आपका कनेक्ट नहीं होगा। इसका एक फिक्स आ गया है, उसके आपको रोम के साथ उसको फ्लैश करना होगा ताकि आपको कैमरा के अंदर कोई एरर ना आए। इसके अलावा आपको और कोई बग ऐसा एरर नहीं देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज है। इसको भी तुरंत ही फिक्स कर दिया गया है, यह भी एक काफी बड़ी चीज यहां पे देखने को मिल जाती है। और बहुत सारे लोगों को यहां पे पूछना था कि गेमिंग कैसी है, तो इसके अंदर मैंने दो मैच खेले हैं और बैटरी बैकअप मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं TDM की, आपको पहले ही बता दूं, और यहां पर आप देख सकते हो बैटरी 26% है और कल से मैं इसको यूज कर रहा हूं और अच्छी खासी बैटरी भी इसके अंदर बैकअप देती है बिना किसी प्रॉब्लम के। HD आपको हाई में देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे अच्छा यहां पे गेमिंग एक्सपीरियंस अभी तक मुझे देखने को मिला है किसी भी MIUI 12 ROM में Redmi Note 7 के लिए, जो कि एक और अच्छी चीज यहां पे देखने को मिलती है। यानी गेमिंग इंप्रूवमेंट भी हुआ है तो मैसिक के अंदर, तो बहुत अच्छा यहां पे यार। अगर आप कहो फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पे इंप्रूवमेंट, स्मूथनेस और ये चीज काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मेन होना चाहिए यार किसी भी ROM का, कि आपको यहां पे फीचर तो दे ही दे, लेकिन साथ में आपको यहां पे यार जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंप्रूव करे, बग्स वगैरह को भी हटाए, जो कि मैसिक सक्सेसफुली यहां पे कर लिया है। अगर फीचर नहीं दिया है तो यहां पे ये स्मूथनेस वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि यार नंबर वन पॉइंट है, एक परफॉर्मेंस अच्छा है जिसको आप यहां पे इजीली यूज कर सकते हो। इवन आप बैंकिंग ऐप वगैरह भी चला सकते हो, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सब चीज़ अच्छे से परफेक्टली वर्क करता हुआ मिल जाता है। मैं यहाँ पे पबजी यार जल्दी से कनेक्ट करता हूँ, आज तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्यू में, बहुत देर तक यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी कनेक्ट हो जाता है जैसे ही ये मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पबजी वाले लग रहा है माइक से सुनते रहते हैं कि कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से आपको एक पबजी गेमिंग भी दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है।
सो देख सकते हो कनेक्ट हो गया है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लैग वगैरह नहीं आती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है और बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसके अंदर खेल सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यार अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हो तो इसी के लिए आप इस रोम को फ्लैश करो, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल काफ़ी अच्छी है और गेमिंग के लिए यार तो कस्टम रोम ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा ये सब चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। कोई भी इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दो और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मेमोरी कितनी बची है जब आपका PUBG बैकग्राउंड में चल रहा है तो आपको देखने को मिलती है 4GB में से 700 के आसपास यहाँ पे फ्री है और PUBG वगैरह और काफ़ी सारे ऐप इस टाइम बैकग्राउंड में चल रहे हैं। सब चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करके एक बार दिखा दूँ कि कितनी चल बची है यहाँ पे बैकग्राउंड में, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको 1.6GB मिल रही है, सेम एस यार MIUI रोम जो आपको मैंने इसके पहले वीडियो बनाई थी उसकी जैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको ये देखने को मिल जाती है और फिलहाल के लिए सबसे स्मूथ रोम यहाँ पे MIUI 12 बेस Redmi Note 7 के लिए आ जाती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको परेशानी है तो कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हो, मैं जरूर से वहां पर रहूंगा आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।